वेलकम बैक टू नीट नाउ। इंस्पायर में आज हम बात करेंगे पढ़ाई की, कि पढ़ाई किस तरीके से करनी चाहिए। जैसे कि आपने इसका टाइटल देख लिया होगा, घिसते घिसते पढ़ना या हंसते हंसते पढ़ना। अब आप कहेंगे कि मैम पढ़ाई करते हुए कोई कैसे हंस सकता है? बिल्कुल हंस सकता है अगर आप उसको इंजॉय करेंगे। घिसते घिसते पढ़ना क्या होता है? घिसते घिसते पढ़ने का मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगी। आप लोगों को बहुत सारे लोग कहते होंगे कि अब एग्ज़ाम्स पास आ गए हैं, अब तो पढ़ाई शुरू कर दो, 15-15, 20-20 घंटे पढ़ो। नहीं होगा, नॉट एवर हैपनिंग। ये होता है घिसते घिसते पढ़ना। अगर आपको कोई कह दे कि आपको इतनी देर पढ़ना है, इतना ज़्यादा पढ़ना है, ऑब्वियसली आप थोड़े तो परेशान होंगी, क्योंकि सोना सबको अच्छा लगता है, खाना सबको अच्छा लगता है, घूमना सबको अच्छा लगता है। अब उसमें से अपना टाइम कट करके सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है हमको पढ़ाई पे, तो थोड़ी तो डिफ़िकल्टी होगी। अब मैं अगर बात करूँ घिसते घिसते पढ़ने वालों की, तो होता क्या है, एक ही रूम में बैठे, खिड़की दरवाजे बंद किए, बुक खोले, अगर किसी को ये लगता है कि वो सक्सेसफुल हो पाएगा अपने एग्ज़ाम में या फिर वो चीज़ क्वालिफाई कर जाएगा, लेट मी टेल यू, नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ क्या करनी है आपको अगर आप पढ़ने बैठे हैं, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको अपनी जितनी भी बुक्स हैं वो अरेंज कर लेनी है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, मैथ्स, जो भी आपका एग्ज़ाम है, आप चाहे बोर्ड्स दे रहे हैं, आप नीट दे रहे हैं, आप IIT दे रहे हैं, आप कुछ भी दे रहे हैं, उसकी बुक्स सबसे पहले अरेंज कर लेनी है। अब बुक्स अरेंजिंग में क्या होगा? बुक्स अरेंजिंग में ज़रूरी है कि आप एक तो NCERT रखेंगे अपने साथ, अगर मैं नीट की बात करूँ तो। उसके अलावा वो सारी बुक्स जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, रेफरेंस बुक्स अलग हैं, आपका जो स्टडी मटेरियल है वो अलग होता है। आप अगर किसी कोचिंग में जाते हैं, उनका मटेरियल अगर अच्छा है, यूज़ दैट, और अगर नहीं कर पाते हैं तो फाइंड आउट बुक्स दैट विल हेल्प यू। यानी कि सबसे पहली स्टेप है हमारी बुक्स अरेंज करना। आपको ये देखना होगा कि कौन से ऑथर की बुक सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है उन बच्चों द्वारा जो कि नीट क्वालिफाई करने में हेल्पफुल हैं, क्योंकि हमारा चैनल है नीट नाउ, मैं नीट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। जैसे फिज़िक्स के लिए कोई पर्टिकुलर ऑथर, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए, बायो ज़्यादातर NCERT बेस्ड है, तो NCERT को अपना सबसे अच्छा फ्रेंड मानिए। बायो के लिए मैं NCERT ही सजेस्ट करूँगी, और अगर कोई एक आध रेफरेंस बुक अगर आप यूज़ करना चाहें तो, बट मेक श्योर कि जितना सिलेबस आपकी NCERT में दिया हुआ है वो आप कवर करना ना भूलें। ये बात होगी बुक्स की, आपको अरेंज कर ली। सेकेंड पॉइंट जो है वो है आपका सॉर्टिंग आउट द चैप्टर्स, यानी कि जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर लीजिए। अगर मैं बायो का एग्जांपल लेके बात करूँ, 38 चैप्टर्स हैं, मान लीजिए 38 चैप्टर्स में से 20 ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं या फिर आपको जो बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, उन चैप्टर्स पे फोकस करना। उनका जो भी ग्राउंड वर्क है, यानी उनकी जो भी फाउंडेशन है, यानी कि अगर आपको जेनेटिक्स पढ़ना है आपको सेल पता होना चाहिए, आपको मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस पढ़ना है आपको जेनेटिक्स पता होना चाहिए, इस तरीके से ये जो कुछ चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं उनकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आपको मेंडल्स लॉज नहीं पता है ठीक से, आप उसके आगे नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब अगर यहाँ पे आप पहले ही अपनी जो सॉर्टिंग है, अगर आप अपनी सॉर्टिंग प्रॉपरली कर लेते हैं, जैसे कि इजी, मीडियम एंड डिफ़िकल्ट, ये तीन में अगर आपकी सॉर्टिंग हो जाती है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि कौन से चैप्टर को कैसे और कब करना है। कैलेंडर वाइज चलेंगे, मैंने आपको पहले भी एक इंस्पायर की वीडियो में कहा था कि आज से 11 जनवरी से अगर आप बायो शुरू करेंगे, आप 17 फरवरी तक फिनिश कर लेंगे अपना पूरा बायो का सिलेबस, अगर आप एक चैप्टर एक दिन में ख़त्म करते हैं तो। आज 11 जनवरी है, आई एम होपिंग कि आप में से कुछ लोग एटलीस्ट ये स्टार्ट करेंगे। एक बंदा भी अगर ये करता है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी कि आप लोग कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ ये जो इजी, मीडियम और डिफ़िकल्ट वाली सॉर्टिंग है, इसमें आपको चैप्टर्स प्लेस करने हैं। 10 मिनट का टाइम निकालिए अपने दिन में से, और जो आपके चैप्टर्स हैं, बी इट फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो, सारे चैप्टर्स को आप सॉर्ट कर लीजिए इन 3 डिफरेंट लेवल्स में।
तीन डिफरेंट लेवल्स में जब सॉर्ट हो जाएंगे, यहाँ पे आपके यूनिट फॉर्म हो जाएंगे कि ये यूनिट मुझे सबसे ज़्यादा टफ लगता है या ये यूनिट मुझे सबसे ज़्यादा ईजी लगता है, उसको उसी हिसाब से पढ़िए। ईजी मतलब क्या होता है? ईजी वो चीज़ होती है जो हमको समझ में आती है, बस। डिफ़िकल्ट वो चीज़ होती है जो हमको समझ में नहीं आती है। तो अगर मैं कहूँ कि आज मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही है, यानी कि वो मुझे समझ में नहीं आ रही है। अगर जनरली हम बात करें, हम इंग्लिश बात करते हैं, नॉर्मली इंग्लिश थोड़ी बहुत सबको समझ में आ जाती है, लेकिन अगर मैं शेक्सपियर का कोई प्ले स्टार्ट करने लग जाऊँगी आपके सामने नरेट करना, आपको डिफ़िकल्टी होगी, मुझे भी होगी, क्योंकि वो रोज़मर्रा की चीज़ नहीं है, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये होता है आपका ईजी, मीडियम, डिफ़िकल्ट में सॉर्टिंग, यानी कि जो चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आ रही है वो हो गई आपकी डिफ़िकल्ट, और जो नॉर्मली समझ में आ रही है वो आपकी ईजी। मीडियम में वो कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो ईजी एंड डिफ़िकल्ट के बीच के होते हैं, यानी कि कुछ समझ आता है कुछ नहीं समझ आता है। तो ऐसे में जो मीडियम वाले चैप्टर्स हैं उनको भी आपको फोकस बराबर रखना है। ईजी वाले आप फटाफट निपटा सकते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा आपको मीडियम डिफ़िकल्ट में, और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है उनमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ जितने भी आपके चैप्टर्स बन रहे हैं, जो भी आपके डिफ़िकल्टी लेवल में आ रहे हैं, आपको उनको ध्यान में रखते हुए उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, उतने ही ज़्यादा आपको उन पर काम करना है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट जो है मेरा, थर्ड पॉइंट ये है कि आपको करनी है प्रैक्टिस MCQs। अपना अलग से टाइम निकाल लीजिए, हर एक चैप्टर के आपको MCQs सॉल्व करने हैं। अगर आप हर एक चैप्टर के लगभग 200 MCQs सॉल्व कर लेते हैं नीट तक, तो आपके लिए जो चैप्टर है वो बहुत इजी हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा समझ में आने लगेंगे, जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन अगर आप देख लेते हैं, यू विल बी मोर देन हैप्पी टू अंडरस्टैंड कि वो आपको समझ में आ रहा है, आपके लिए ईजी हो गया है। 200 क्वेश्चंस मैं इसलिए कह रही हूँ कि 200 क्वेश्चंस में लगभग एक आध चैप्टर का आपका जो पूरा सोल है, जो पूरा कोर है, वो फिनिश होने के चांसेस हैं। कुछ डिफ़िकल्ट चैप्टर्स होंगे, कुछ लंबे चैप्टर्स होंगे, इनमें आप 300 तक सवाल अगर सॉल्व करते हैं तो भी आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ये जो तीन चीज़ें हैं, सबसे पहले आपका बुक्स का होना, सेकेंड सॉर्ट करना, और थर्ड है आपका प्रैक्टिस करना, ये तीन चीज़ें आपके हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क में आती हैं, क्योंकि हम एक प्लान के द्वारा चल रहे हैं। ये हमारी प्लानिंग है कि हमें पहले बुक्स प्रॉपर लेनी है, अपना स्टडी मटेरियल प्रॉपर लेना है, फिर हमें अपने हिसाब से, ना कि किसी और के, किसी टीचर या मेरे हिसाब से, आपको अपने हिसाब से उनको सॉर्ट करना है कि ये चैप्टर मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। हो सकता है किसी को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत ईजी लगता हो, लेकिन साथ ही किसी को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो सकता है बहुत टफ लगता हो। तो इसमें अपने आप को बुरा मानने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट है दूसरों से। हो सकता है कि जो मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगता हो वो किसी और को डिफ़िकल्ट लगता हो। ये चीज़ आपकी कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस पे मैं एक और वीडियो बनाऊँगी जो कि आप जल्द ही देखेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आपको ये समझना है कि किसी के कहने पे ना जाएं, अपने हिसाब से चैप्टर सॉर्ट करें। जस्ट बिकॉज मेरे रूममेट को सेल इजी लगता है, इसलिए मतलब नहीं है कि मुझे भी सेल इजी लगेगा। मुझे बायोलॉजिकल वेलफेयर वाला चैप्टर जो है वो अच्छा लगता है, इजी लगता है, किसी और को शायद डिफ़िकल्ट लगता होगा। अपने हिसाब से सॉर्ट करिए, अपने हिसाब से समझिए कि मुझे कौन सा चैप्टर डिफ़िकल्ट लगता है, उसमें सबसे ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, ना कि ऐसे चैप्टर में जो कि जस्ट लंबा है, इजी है। अगर मैं इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की बात करूँ, बहुत इजी लगा है चैप्टर, जैसे कि मैंने आपसे बहुत बार कहा है, लेकिन अगर वो आपको डिफ़िकल्ट लगता है, वो आपके लिए डिफ़िकल्ट है, तो उसको डिफ़िकल्ट चैप्टर्स में रखें। ये है हमारा स्मार्ट वर्क जो मैं ये आपको बता रही हूँ, घिसते घिसते पढ़ना या हंसते हंसते पढ़ना। एक बार आपकी ये जो तीन चीज़ों की प्लानिंग है ये प्रॉपर तरीके से हो गई, आपको समझ में आएगा कि पढ़ना कितना इंटरेस्टिंग बढ़ जाता है। बच्चे पढ़ना इंटरेस्टिंग क्यों नहीं समझते हैं? द रीज़न इज़ कि उनको समझ में ही नहीं आता है कि हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं। अगर आपको समझ में आ जाएगा, ट्रस्ट में आपके लिए सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा। जो डिफ़िकल्ट है उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करिए, वो भी आपके लिए बेटर ही होगा। ये हमारी लाइफ की तरह है, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जो हमको समझ नहीं आती, हमको लगता है कि शायद हमारी ज़िंदगी का ये सबसे बुरा चैप्टर है, शायद ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बुरा टाइम है। लेकिन आप अगर आगे चढ़ेंगे, आपको ये रियलाइज़ होगा कि नहीं,
शायद वो जो टाइम था वो मेरे लिए अच्छा था, अब का जो टाइम है वो सबसे बुरा है। लाइफ की तरह आपकी पढ़ाई भी उतार चढ़ाव से भरी है, कुछ चीज़ें अच्छी, कुछ चीज़ें बुरी, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी। तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है, एक्सेप्ट करनी है यानी कि मान लेनी है कि ये चीज़ डिफ़िकल्ट है, तो मुझे इसमें एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ये डिफ़िकल्ट चीज़ पे मैं एक्स्ट्रा वर्क करूँगा ये मुझे समझ में आएगी और ये मेरे लिए ईजी बन जाएगी। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स या फिर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स बहुत लोगों को टफ़ लगते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, जो मैथ्स होता है वहाँ पे। तो आपको क्या करना है, आपको बेसिक मैथ समझना है। फिज़िक्स में आप 10 घंटे सॉल्व करने के बजाय अगर एक घंटा मैथ्स को दे देंगे, प्रॉपरली समझ जाएंगे, तो आपके जो 10 घंटे लग रहे हैं वो 5 घंटे होने की भी गुंजाइश है। क्यों? क्योंकि आपको मैथ समझ में आ गई है। ये होता है बेसिक रूल, यानी कि कोई चीज़ जिसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है उसकी फाउंडेशन अगर पहले आप लगेगा आपको कि शायद टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन अगर आप उसकी फाउंडेशन समझ लेंगे आपके लिए वो चीज़ बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि फाउंडेशन ही यूज़ होती है हर जगह, हर चीज़ नए से निकल के नहीं आती है। अगर मैं डिफ्रेंसीशन की बात करूँ, आपको डिफ्रेंसीशन अगर समझ में आता है तो आप उस पर आने वाले प्रॉब्लम समझ सकेंगे। स्पीड को, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन के बीच में क्या जो रिलेशन है, डिफ्रेंसीशन और इंटीग्रेशन को लेके अगर आपको ये समझ में आता है आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ये अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको खुद से सोचनी पड़ेंगी, आपको खुद से समझनी पड़ेंगी। हम लोग हेल्प करेंगे लेकिन आपको उस पर एक्ट करना है, यू हैव टू बी ऑन द मूव, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। नीट 2020 में मैं बार बार ये कह रही हूँ कि स्मार्ट वर्क ही काम करेगा, हार्ड वर्क विल पावर को मिला के बनता है स्मार्ट वर्क। सिर्फ घिस घिस के पढ़े जा रहे हैं, हाइलाइटर से नोट्स अंडरलाइन करे जा रहे हैं, उसमें बार बार पढ़ रहे हैं, मीनिंग लिख रहे हैं ऊपर, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। अपने नोट्स बनाइए, खुद से पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है, समझिए इम्पॉर्टेंट क्या है, और उसके बाद उनको प्रैक्टिस करना ना भूलें। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जो एक इन सब की चीज़ है कम्प्लीटली, वो है आपके मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट हमेशा दीजिए, अपने आप को टाइम कीजिए, 2 to 5, मैं अगेन आपसे बार बार कह रही हूँ, 2 to 5 के बीच में ही अपना मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि उसी टाइम आपका नीट होगा। 2 to 5 के बीच में जब आप अपना मॉक टेस्ट देंगे, अपनी पूरी एनर्जी उसके ऊपर उस टाइम लगा दीजिए। खाना खा के आराम से जस्ट अपने आप को प्रिपेयर करिए कि अब 2 to 5 में मुझे मॉक टेस्ट देना है। टेस्ट सीरीज़ अगर हो सके ज्वाइन करिए, फुल सिलेबस टेस्ट मोस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज़ में हम शुरू होने वाले होंगे, उनको ज्वाइन करिए। अपने आप को टाइम करिए कि मैं एक क्वेश्चन कितने देर में सॉल्व कर पा रहा हूँ, मैं एक प्रॉब्लम को कितना टाइम दे रहा हूँ, बायो में कितना टाइम दे रहा हूँ, फिज़िक्स केमिस्ट्री में कितना टाइम दे रहा हूँ। हालांकि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में आधे आधे क्वेश्चंस होते हैं बायो के, लेकिन जो टाइम लगता है वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आप घबराते बहुत हैं। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा हिस्सा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है, टाइम कैसे मैनेज करना है। इसलिए ज़रूरी है आप मॉक टेस्ट दें, अपने मॉक टेस्ट देंगे आपको रियलाइज़ होगा, किसी और से अपनी तुलना मत कीजिए। मॉक टेस्ट दिया आपने, रिजल्ट आया, अगर फुल लेंथ का है अपनी पिछली परफॉर्मेंस के साथ अपनी ये वाली परफॉर्मेंस मैच करिए, देखिए आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं अपने ही लेवल के साथ, अपने आप से कंपेयर करिए और अपने मार्क्स को समझिए कि अगर इतने ही नीट में आएंगे तो मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। जब तक इस तरीके से आप नहीं करेंगे, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी, एक चीज़ देखिए आपने कि एक बहुत ज़्यादा जैसे रूबिक्स का क्यूब होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है, समझ नहीं आता सॉल्व कैसे करें, एक पहेली का गुत्था लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको ट्विस्ट करेंगे, टर्न करेंगे, घुमाएंगे, आप देखते हैं कि धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो ट्विस्ट एंड टर्न है ये अभी कर लीजिए ताकि आपकी जो गुत्थी है वो सुलझ जाए और आप नीट में ये सब चीज़ें ना करें। स्मार्ट वर्क इज़ ऑलवेज बेटर देन हार्ड वर्क, क्योंकि स्मार्ट वर्क में हार्ड वर्क आता है, विल पावर आती है, कॉन्सेंट्रेशन आता है, फोकस आता है और सबसे इम्पॉर्टेंटली एक प्लान आता है। ये प्लान जब तक आपके साथ है यू कैन नेवर फेल। प्लान करिए, ऑर्गेनाइज करिए और इस पर एक्ट करिए, सिर्फ प्लानिंग से भी नहीं होगा। तो दिस इज़ वॉट इज़ ऑल अबाउट, घिसते घिसते पढ़ना या हंसते हंसते पढ़ना, ये आपके ऊपर है, मैंने बताया है, लेकिन अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, बीट बोर्ड्स, बीट एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम या कोई भी,
यू कैन मेक श्योर कि आप अपने आप को दूसरों से बेटर पोजिशन पे कर पाएंगे। अपना खुद का कॉम्पिटिशन बनिए। अगर आप अपने आप से ऊपर धीरे धीरे चलते जाएंगे, बाकी तो पीछे छूट ही जाएंगे ना, तो कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। हम दूसरे भी कुछ वीडियोज़ कॉन्फिडेंस और टाइम मैनेजमेंट पर बनाएंगे एंड आई एम होपिंग कि वो आपको अच्छे लगेंगे। कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।